जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कई सत्य कथाएं और दंत कथाएं प्रचलित है। ऐसी ही एक दंत कथा है जो माता लक्ष्मी और पार्वती के बीच हुई ईर्ष्या जलन और सोने की लंका से जुड़ी है। ये कहानी बड़ी ही रोचक है, आपको इसे सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा। तो आज इस वीडियो में हम यही दंत कथा आपके लिए लेकर आए हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और पूरा आनंद लीजिए, आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है, क्योंकि यह कथा, ये कहानी, ये वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह घटना बहुत ही प्राचीन है। रावण भोलेनाथ शिव की तपस्या में लीन था। एक दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, चलो देवी, कई दिन बीत गए हैं, कैलाश पर्वत नहीं गए, देवों के देव महादेव के दर्शन करके आते हैं। माता लक्ष्मी जी भी अपनी सहेली माता पार्वती जी से मिलना चाहती थी, तो उन्होंने कहा, चलो भगवान, मैं भी पार्वती से मिल लूंगी। तो दोनों ही भगवान विष्णु के प्रिय वाहन गरुड़ पर सवार हुए और निकल पड़े कैलाश की ओर। इधर महादेव तो योगी हैं, तो शिव जी हिमशिला पर बैठे ध्यान में मग्न थे। शरीर पर एक वाग्र चर्म था जिसे एक नाग ने कस के अपनी कमर में लपेट रखा था, बेल्ट की तरह काम में लिया जा रहा था। बस यही रूप है हमारे भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे जब उन्होंने देखा स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उनके घर पधारे हैं, तो उन्होंने समाधि भंग की और उनका स्वागत करने के लिए शिव जी और पार्वती जी दोनों आगे बढ़े। जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने कैलाश पर लैंडिंग की, तो शिव जी के गले में और कमर में लपेटे मारे हुए सांप थोड़े से डर गए। अब गरुड़ ठहरा सांप का जानी दुश्मन, तो सांप का भयभीत होना स्वाभाविक था। तो सांप को थोड़ा भय लगा और वो थोड़ा विचलित हो गया। विचलित हुआ तो शिव जी का वस्त्र सरकने लगा। अब भोलेनाथ के शरीर पर शेर की खाल उसी सांप से बंधी हुई थी, तो वो ही उनका बेल्ट था। और जब सांप को थोड़ा भय लगा, जब सांप थोड़ा विचलित हुआ, तो शिव जी का वस्त्र सरकने लगा। अब यह देखकर पार्वती जी को इससे काफ़ी संकोच हुआ। पार्वती जी ने देखा भगवान विष्णु तो तरह तरह के चमकीले वस्त्रों से सुशोभित आए हैं, और फिर माता लक्ष्मी तो माता लक्ष्मी ही है, उन्हीं से सब वस्त्र और आभूषण होते हैं, तो वो तो समस्त आभूषणों को पहने हुए थी जिनसे उनकी आभा अलग ही नज़र आ रही थी। इधर पार्वती जी ने फिर से एक नज़र भोलेनाथ पर डाली और मन ही मन सोचा, मेरे पति तो देव के देव हैं, महादेव हैं, मगर महादेव के इस रूप को कोई देखे तो उन्हें देव का देव मानेगा भला। दोस्तों, ये सब शिव जी की ही माया का प्रभाव था। तो शिव जी की लीला से पार्वती जी मोहित हो गई और उनमें भी सहज नारी भाव आने लगे। चलो कोई नहीं, तो गरुड़ ने कैलाश पर लैंड किया। अब कैलाश पर तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ, भोलेनाथ तो खुले में ही रहते थे, कोई महल तो था नहीं, हाँ एक गुफा जरूर थी, उसी में रहते थे, तो वहाँ सर्दी भी काफ़ी थी। अब महलों में रहने वाली लक्ष्मी जी को सर्दी से थोड़ी परेशानी हुई, जो कि वाजिब भी था। चलो, बातों ही बातों में लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से पूछ लिया, देवी आप तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, आप एक राजकुमारी हैं, और संसार का ऐसा कौन सा ऐश्वर्य आपके लिए सुलभ नहीं है, आप ऐसा कीजिए एक दिन हमारे यहाँ आइए और हमारा महल देखिए, और हाँ आप भी स्वर्ण के आभूषण इत्यादि पहना कीजिए, श्रृंगार कीजिए, पति को श्रृंगार से रिझाना हर पत्नी का कर्तव्य होता है, एक कुशल गृहिणी का ये दायित्व बनता है कि वो अपने घर को सजा कर रखे, श्रृंगार करके रहे, आप भी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आप कभी बैकुंठ धाम आइए, मैं आपको अपने द्वारा की गई सारी व्यवस्था आपको दिखा दूंगी और आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी। तो ये सब शिव जी की ही लीला का प्रभाव था। शिव जी की लीला से दोनों ही देवियाँ सामान्य स्त्रियों जैसे आचरण करने लगी, सामान्य स्त्रियों जैसे वार्तालाप कर रही थी, जैसे कि आपकी और मेरी पत्नी बातें करती हैं, ठीक वैसे ही। अब गरुड़ के डर से भोलेनाथ शिव का सांप भयभीत हो गया, तो शिव जी का वस्त्र थोड़ा सा सरक गया। अब पार्वती जी शिव जी के वस्त्र के सरकने से पहले ही टेंशन में थी, ऊपर से लक्ष्मी जी ने इतना सारा ज्ञान बांट दिया, तो वो मन ही मन दुखी हो गई। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर ठहर कर विष्णु जी और लक्ष्मी जी चले गए, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद पार्वती जी ने भोलेनाथ शिव से कहा कि वो बैकुंठ धाम जाना चाहती है और लक्ष्मी जी के द्वारा की गई व्यवस्था को देखना चाहती है। शिव जी ने कहा, ठीक है चलो। दोनों नंदी पर सवार हो गए और पहुँचे
वैकुंठ लोक। अब वहाँ की तो शोभा ही निराली थी। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी के द्वारा रचित वैभव को देखा तो वो दंग रह गई, चकित रह गई। सारा का सारा वैकुंठ धाम स्वर्ण के प्रकाश से चमचमा रहा था। सेवक भी स्वर्ण आभूषणों से लदे पड़े थे। स्वर्ण और बहुमूल्य रत्न से ही सारा लोक सजा हुआ था। बस चारों ओर सोना ही सोना, जिधर देखो उधर सोना, हीरे मोती जवाहरात। अब जहाँ स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती है तो चारों ओर वैभव का होना तो निश्चित ही है। लक्ष्मी जी ने उन्हें पूरे वैकुंठ लोक की व्यवस्था दिखाई और बातों ही बातों में पार्वती जी को यह भी बता दिया कि आप एक कुशल गृहिणी नहीं हैं, आपको गृहस्थी चलाना नहीं आता है। अब तो पार्वती जी को लक्ष्मी जी का महल देखकर मन ही मन ईर्ष्या का भाव जाग गया। ऊपर से लक्ष्मी जी का ज्ञान तो और ज़्यादा जल भुन गई। ये सब शिव जी की ही लीला थी। तो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी का महल देखा और मन में ठान लिया कि वैभव में वह लक्ष्मी जी से कहीं कोई कम नहीं है। आखिर उनके पति देवों के देव हैं, कोई छोटे मोटे देवता थोड़ी न हैं। तो वो भी एक श्रेष्ठ लोक का निर्माण कराएगी, ऐसा मन ही मन में ठान लिया गया। और फिर पार्वती जी बैठ गई हट करके। तो पार्वती जी शिव जी से हट करने लगी, कहने लगी, भगवान आप तो देवों के देव हैं, सारे देवी देवता सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं और आप देवादिदेव होकर भी शमशान में या पर्वत पर या फिर जहाँ मर्जी पड़े वहीं बैठ जाते हैं, इससे तो देवों की छवि खराब होती है। और हाँ, मेरे घर जब कोई अतिथि आता है तो उसे भी यही लगता है कि ये मेरी कुशलता की कमी है, मैं एक अच्छी गृहिणी नहीं हूँ, सभी को ऐसा लगता है। अब बहुत हो चुका, बहुत चला लिया आपने अपनी, मैं आपकी इस व्यवस्था से तंग आ चुकी हूँ। तो ऐसे डायलॉग आपने अपने घर में भी सुने होंगे। तो यह एक स्त्री की हट थी जिसे त्रिया हट कहते हैं। तो माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से साफ साफ कह दिया कि अब ये सब कुछ चलने वाला नहीं है, मुझे भी महल चाहिए। और सुन लीजिए भगवान, आपको भी महल में ही रहना है और आपका महल सबसे सुंदर होना चाहिए। तो आप मुझे ऐसा महल बनवा कर दीजिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। और हाँ, यदि यह नहीं हुआ तो फिर तो धमकी दे दी गई। तो माता पार्वती जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं अब महल में ही रहूँगी। तब महादेव ने माता पार्वती जी को समझाया, बोले, देवी हम तो ठहरे योगी, हमारा महल से क्या काम, और महल में हमें चैन नहीं मिलेगा। महल में रहने के बड़े नियम और विधान होते हैं। हम ठहरे मस्त मोला, हमारे लिए महल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और देवताओं को भी ये बड़ा विचित्र लगेगा, हमें उनके साथ स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। मेरे पास तो सभी ऋषि मुनियों का भी आना जाना रहता है, पशु पक्षी भी निडर होकर यहाँ आ जाते हैं, कहीं वो महल को देखकर संकोच ना करें और मेरे पास आना ही ना छोड़ दें। और हमारे गणों को तो आप जानते ही हैं, सभी के सभी कैसे हैं आप जानती ही हैं, अब उन्हें भला महल में रहने का तरीका कौन सिखाएगा। तो देवी, आपको जरा भी आभास नहीं है कि महल में रहने के कारण कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। यदि हम महल में सही तरीके से नहीं रह पाए तो फिर आपकी भी हंसी उड़ेगी, लोग कहेंगे, देखो देखो महल तो बना लिया है देखा देखी में, मगर रहना तो आता ही नहीं है। तो हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है, छोड़ो ये महल वहल। अब महादेव ने सारे हथकंडे लगा लिए, लेकिन माता पार्वती टस से मस नहीं हुई। बस कुछ नहीं, महल चाहिए तो महल चाहिए। आखिर महादेव को झुकना ही पड़ा। आपको भी अपने घर में झुकना पड़ता होगा ना, और यदि नहीं झुकते हैं तो झुकना सीख जाइए। अरे भाई, जब देवों के देव महादेव झुक गए तो आपकी और मेरी तो औकात ही क्या है। तो मेरे भाइयों, झुकना सीख जाइए। तो आखिर महादेव को झुकना ही पड़ा और उन्होंने तुरंत ही विश्वकर्मा जी को बुलाया और आदेश दिया कि एक ऐसा महल बनाओ जिसकी सुंदरता की बराबरी तीनों लोकों में कहीं ना हो। और हाँ, जगह भी ऐसी चूज करना जहाँ ना धरती हो ना जल हो, फिर भी वहाँ सब कुछ हो। अब विश्वकर्मा जी ऐसी जगह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में तीन सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे थे और उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। विश्वकर्मा जी ने सोचा यही जगह ठीक है, जैसा कि महादेव ने कहा था वैसी ही जगह है। तो विश्वकर्मा जी ने वहीं पर एक सोने की अद्भुत नगरी बना डाली। अब नगरी बनकर तैयार हो गई तो पार्वती जी उसे देखने के लिए गई। सब कुछ ठीक ठाक था, मस्त था, महल भी उनकी आशा के अनुरूप ही बना था। माता पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई, उनके दिमाग में उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बना ली।
यहाँ पर ये सजाऊंगी, वहाँ पर ये सजाऊंगी, ये गेस्ट रूम होगा, ये भोजनालय बनेगा, गणों के लिए ये हॉल ही ठीक रहेगा, आदि आदि सारी योजनाएं माता ने बना ली। तो माता पार्वती जी अत्यंत ही प्रसन्न थी और वो जल्दी से इस घर में आकर रहना चाहती थी। अब नए मकान में जाने से पहले गृह प्रवेश किया जाता है तो मुहूर्त निकलवाया गया। विश्रवा ऋषि को गृह प्रवेश के लिए आचार्य नियुक्त कर दिया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण दे दिया गया। जिसने भी महल देखा उसी ने जी भर के प्रशंसा की। माता पार्वती जी को बड़ा अच्छा लग रहा था, सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। ये सारी शिव जी की माया थी। अब शिव जी तो अपनी ही माया में फंस चुके थे क्योंकि वो महल में तो रहना नहीं चाहते थे। तो शिव जी ने फिर से एक लीला की। गृह प्रवेश कराने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने के लिए कहा कि दक्षिणा मांगो। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ही ललचा गया और महल पर भी ललचा गया। उन्होंने महादेव से और पार्वती जी से पूछा, आप मुझे क्या दे सकते हैं? क्या जो मांगा जाएगा आप मुझे वो दे पाएंगे? माता पार्वती ने कहा, संसार में ऐसा क्या है जो देवादिदेव महादेव ना दे सके? और ऋषिवर, आपको ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है? आप निसंकोच होकर मांगे। महादेव से पहले मैं वचन देती हूँ कि जो मांगेंगे वही मिलेगा। विश्रवा ने दोनों से दान का संकल्प करवाया और दक्षिणा के रूप में सोने की वह नगरी और महल दोनों ही मांग लिए। विश्रवा के मुंह से ये बात सुनकर माता पार्वती को बड़ा आघात लगा। अभी अभी तो सारी योजनाएं बनाई थी, मगर अब किया भी क्या जा सकता था, वचन तो दिया जा चुका था। वचन के अनुसार महादेव ने विश्रवा को वह सोने की नगरी दान कर दी। अब नगरी तो दे दी, लेकिन पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया और वो क्रोध में लाल होने लगी। महादेव ने यह देख लिया कि आदिशक्ति माँ भगवती क्रोधित होने वाली है, तो वह किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गए। भोलेनाथ को लगा कि कहीं क्रोध में देवी विश्रवा को ही भस्म ना कर दे, तो वो पार्वती जी को समझाने लगे, उन्हें तरह तरह से शांत किए जाने का प्रयास करने लगे। महादेव के समझाने पर पार्वती जी का क्रोध कुछ कम हुआ, लेकिन पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। और फिर पार्वती जी ने क्रोध में आकर विश्रवा को श्राप दे ही दिया। सुनो विश्रवा, तुमने महादेव की सरलता और भोलेपन का अनुचित लाभ उठाया है और मेरे प्रिय महल को मुझसे हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है और सुनो, यह मेरा श्राप है। तुम्हें और तुम्हारी नगरी को महादेव का ही अंश इस महल को जलाकर राख कर देगा और उसी के साथ तुम्हारे कुल का भी विनाश शुरू हो जाएगा। तब ऋषि विश्रवा ने बहुत समायाचना की तो महादेव ने कहा, आपका एक पुत्र नारायण की सहायता करेगा और इस तरह आपके कुल का समूल नाश होने से बच जाएगा। आपका वह पुत्र अमर होगा ताकि आपके कुल का कभी अंत ना हो। विश्रवा के बाद वह नगरी विश्रवा के पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर उससे वह नगरी हड़प ली। श्राप के कारण हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वह सोने की नगरी रावण की लंका ही थी। तो ये थी एक अद्भुत रोचक दंत कथा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी, यह दंत कथा, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।